नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साउथफुल क्रिप्टो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में सोलाना नेटवर्क के बारे में डिटेल्स बात करने वाला हूं कि आप सोलाना नेटवर्क कैसे यूज करेंगे। इजीली स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको सोलाना नेटवर्क का एक वॉलेट एड्रेस का रिक्वायरमेंट होगा। सोलाना नेटवर्क में कोई भी जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करने के लिए या फिर इसके जो सोलाना नेटवर्क का अदर प्रोटोकॉल्स है उसको यूज करने के लिए एक सोलाना वॉलेट चाहिए, सोलाना वॉलेट एड्रेस। इसके लिए आपको सोलेट या फिर फैंटम दोनों में से किसी भी एक प्लेस पे आपको अपना वॉलेट एड्रेस क्रिएट कर लेना है। लाइक सोलेट.io इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको जब आप क्लिक करेंगे, जब ओपन करेंगे तो सिंपल इस तरह का कुछ यहाँ इंटरफेस ओपन होगा। आपको सिंपल यहाँ पे ये जो पासफ्रेज है इसको कॉपी कर लेने हैं या सेव कर लेने हैं या फिर डाउनलोड कर लेने हैं। यहाँ पे डाउनलोड बैकअप मिनोमिक्स फाइल्स यहाँ पे है, सारा कुछ है यहाँ पे। ये कर लीजिए, फिर डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद डाउनलोड जैसे करेंगे, इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपल कंटिन्यू कर लेने हैं। कंटिन्यू के बाद यहाँ पे यहाँ जो भी आपका ये पासफ्रेज था इसको सेव, ये सारा कुछ फिर से पेस्ट कर दीजिए जो कॉपी किए थे, फिर कंटिन्यू कीजिए। फिर यहाँ पे एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, कंफर्म पासवर्ड कर लीजिए। उसके बाद फिर से आप क्रिएट वॉलेट पे क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ एक डेमो वॉलेट था, तो 1234 में ये पासवर्ड रख कर दिया, फिर से कंफर्म कर दिया उसमें, फिर क्रिएट वॉलेट पे कर दे रहा हूँ क्लिक। क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं या जो भी ये आप नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सोलाना का वॉलेट एड्रेस क्रिएट हो गया है। ये डेमो वॉलेट है, तो आप पासफ्रेज ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इसमें हाइड नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद इस वॉलेट एड्रेस पे जो भी आप सोलाना वॉलेट एड्रेस क्रिएट करेंगे, इस वॉलेट एड्रेस पे आपको यूज करने के लिए, सोलाना ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए कुछ सोल का अमाउंट चाहिए होता है। तो ये मैं अपने वॉलेट एड्रेस पे अब ले जाता हूँ कि वह कैसे यूज करना है, सारा कुछ मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा वॉलेट एड्रेस है, इसमें आप देखेंगे कि सोलाना ब्लॉकचेन का जो सोल का कुछ टोकन मेरे पास है, 0.1110 करके सोल है, और भी अदर्स टोकन है इसपे। तो यहाँ आपको इसके लिए क्या करना होगा, कोई भी बिनांस या फिर कोई अदर जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहां से आपको सोल परचेज करने होंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ से सोल को इस वॉलेट एड्रेस पे सेंड कर देने होंगे। लाइक मैं कैसे सेंड करना है मैं एक यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मैं यूएसडीसी को यहाँ से सेंड कर दे रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पे यूएसडीसी जैसे ये मैं सेंड कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ। सिंपल आप दूसरे अदर्स टोकन्स इस ब्लॉकचेन पे यूज कर सकते हैं या फिर जनरली इसी तरह से जो है अदर ब्लॉकचेन पे भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं रिसीव के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। रिसीव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये कॉपी करेंगे हम वॉलेट एड्रेस। कॉपी करने के बाद हम बिनांस पे जाएंगे। यहाँ पे मुझे विड्रॉ करने लें हैं यूएसडीसी, तो यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिएट विड्रॉ में है, विड्रॉ क्रिप्टो यहाँ पे है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेने हैं कि कौन से टोकन आपको विड्रॉ कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं यूएसडीसी में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो यूएसडीसी में सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। एड्रेस सेलेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिए हम। उसके बाद यहाँ पे सोलाना नेटवर्क की ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि मिनिमम यहाँ पे है जो 10 USDC कर सकते हैं, और मेरे पास यहाँ पे 14.23 है, तो मैं यहाँ पे 14.23 कर देता हूँ। मैं मैक्सिमम या फिर कुछ रहने देता हूँ अमाउंट, यहाँ पे मैं 14 कर लेता हूँ। यहाँ पे स्पॉट वॉलेट से मैं ये ट्रांसफर करने वाला, विड्रॉ करने वाला हूँ। एक जो है यहाँ पे USDC मेरे को फी पेमेंट करने हैं, तो मुझे यहाँ पे जो रिसीव होंगे मेरे पास 0.20 USDC है, यहाँ पे मुझे 13 रिसीव होंगे। मैं यहाँ पे 14 सॉरी ये 14 रिसीव कर रहा हूँ मैं, ये एक USDC यहाँ पे फी कट जाएंगे। तो आपको सिंपल विड्रॉ पे क्लिक कर लेने हैं। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद ये कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। फिर आपका यहाँ कुछ ये सब क्वेश्चनर है उसको सब कंप्लीट कर लेने हैं, या फिर 2FA है उसको सब कंप्लीट करना है। यहाँ पे सिंपल और कुछ सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इस तरह से आप कर देना है सारा कुछ ये क्लिक। इसके बाद फिर नेक्स्ट में आपसे बताया गया कि ये सारा रिस्क वगैरह खुद कवर करना होगा, लूज करते हैं इस क्रिप्टो को तो आप खुद जिम्मेवार होंगे। इस तरह से फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड चाहिए होगा, तो गेट कोड पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे 2FA, गूगल का 2FA कोड, यहाँ पे ये सारा तीनों कोड इनपुट करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ सारा कोड मैं इनपुट करने के बाद सिंपल सबमिट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ये सबमिट हो गया है, थोड़ी सी देर के बाद आपको वेट करना है। यहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिटेड हो गया, थोड़ा वेट करना है। यहाँ जो है कंप्लीटेड ये सब
क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको वापस से सोलाना वॉलेट जो आप क्रिएट किए थे जिसमें आपको सेंड करना था, मैं यहाँ पे यूएसडीसी सेंड करके दिखा रहा हूँ आपको। सिंपल इसी तरह से आपको जो है सोलाना सबसे पहले यहाँ पे सेंड करना होगा। कुछ भी अमाउंट जैसे कि 0.1 या 0.01, मिनिमम 0.1 जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं कोई अदर सेंट्रलाइजेशन से विड्रॉल। तो इस तरह से यहाँ इसलिए करना है क्योंकि आपको इसका जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू या फिर अदर मीन्स के थ्रू सोलाना नेटवर्क पे, तो आपको ये जो भी फी पेमेंट करने होंगे वो सोलाना के फॉर्म में फी पेमेंट करने होंगे। तो यहाँ पे आपको ये चाहिए। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ वापस से और देखता हूँ यहाँ पे कि रिसीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो अभी तक मुझे यहाँ पे रिसीव नहीं हुए हैं। तो एक बीच में एक और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मैं सोलाना नेटवर्क को अपने मेटा मास्क के साथ कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जैसा कि आप मेटा मास्क को अलग अलग नेटवर्क से यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, जैसे ये इथेरियम, बिटगार्ड, AKCC, मेनेट, विलास, फैंटम ओपेरा, पॉलीगॉन, ये बिनांस स्मार्ट चेन, अवलांच, ये सारा कुछ अलग अलग नेटवर्क आप मेटा मास्क में कॉन्फ़िगर करके यूज करते हैं। तो ऐसा अभी तक कोई मीडियम नहीं है दोस्तों कि आप मेटा मास्क को सोलाना ब्लॉकचेन के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये कोई भी वीडियो, बहुत सारे हम यूट्यूब पे वीडियो देखे कि वो अल्टीमेटली लिखते हैं या फिर आप ये बताते हैं कि हम मेटामास्क को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये बोलते हैं कि नहीं आप जो है फैंटम या फिर सोलेट यूज कीजिए इस तरह से। तो अभी आप रिसेंटली कोई ऐसा मीडियम्स नहीं है जो कि आप मेटामास्क को सोलाना ब्लॉकचेन के साथ कॉन्फ़िगर कर सकें। तो अभी मैं थोड़ा सा फिर वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे वेट करने के बाद मैं फिर से देखता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। रिफ्रेश करने के बाद जो आप यहाँ पे पासवर्ड इनपुट करेंगे शुरुआत में जब वॉलेट क्रिएट करने के टाइम, वही पासवर्ड इनपुट करने के बाद ये जो है अनलॉक होगा आपका वॉलेट। यहाँ पे ये अनलॉक हो गया है। आप इस अभी लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने के बाद यहाँ पे देखेंगे हम कि आया है वो बैलेंस मैं जो अभी ट्रांसफर किया हूँ या नहीं। तो आप यहाँ देखेंगे 13 जो है USDC ये मेरे पास रिसीव हो गए हैं। तो आप अब इसको सेंट्रलाइज एक्सचेंज से, आप तो जानते हैं कि बिनांस स्मार्ट चेन में आप या फिर सॉरी बिनांस एक्सचेंज पे या फिर कुकवाइन या फिर अदर जो है इंडियन यूजर्स वजीरेक्स या फिर बिटवेनियस ये सब भी यूज करते हैं। तो वहां से आपको सिंपल सबसे पहले सोलाना, जैसे कि ये सोल का जो अमाउंट है आपको कुछ यहाँ पे ट्रांसफर करने होंगे, तभी आप जो है ये कुछ जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपको फी पेमेंट करना होगा यहाँ सोल के फॉर्म में फी पेमेंट करना होगा। ये भी मैं अभी लाइव शो कर रहा हूँ। मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे जो है वीयू का जो यहाँ पे स्टेकिंग प्रोटोकॉल ऑन हुआ था उसमें मैंने कुछ टोकन स्टेकिंग पे लगा रखा है। इस पे जो मैं यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ शो करता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके स्टेकिंग से मुझे अप्रोक्सीमेटली 6500 के आसपास अराउंड मुझे टोकन्स मिले हैं। तो मैं यहाँ पे पहले क्लेम रिवॉर्ड करता हूँ। जब क्लेम रिवॉर्ड करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक ट्रांजेक्शन फी पेमेंट करने होंगे जो सोल के फॉर्म में होगा। तो यही किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन के लिए आपको सोलाना का कुछ अमाउंट फी पेमेंट करना होगा। जैसे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वी डाओ करके जो है इतने टोकन्स मिलेंगे और वीयू जो है इतने टोकन्स मिलेंगे। इसके बदले आपको जो सोल डिडक्ट किया जाएगा वो 0.00204 किया जाएगा। जब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे कि 0.1110 करके है। अभी मैं वापस से इसको इसको करता हूँ अप्रूव। उसके बाद यहाँ पे अप्रूव होने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी आप देखेंगे कि वीयू जो टोकन है मेरे पास सिर्फ 14 टोकन है। थोड़े से रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे जब ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वीयू का जो टोकन है वो रिसीव हो जाएंगे मुझे। आप यहाँ देख पाएंगे जैसे कि मेरे पास अभी 13 टोकन्स या 14 टोकन्स था जो वीयू का, वो मेरे पास 6574 टोकन्स हो गए हैं। उसके बाद वी डाओ करके जो टोकन्स था वो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है क्योंकि ये जो है वॉलेट में अभी वो नहीं क्रिएट किया गया है वी डाओ के लिए। तो ये हो गया दोस्तों। आप इस तरह से क्लेम भी करते हैं तब भी, अभी आप देखेंगे कि मेरा यहाँ जो सोल का था 0.1110 था यहाँ पे सोल, लेकिन जब हम क्लेम किए तो जो अमाउंट कटे उसकी वजह से यहाँ पे माइनस हो गए हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे फिर यहाँ से जनरेट हो रहा है, ये तो ऑलरेडी होते रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे इसमें कि आप इस जो सोलाना ब्लॉकचेन्स को है जो इस ब्लॉकचेन्स पे जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है मोस्ट एक्टिव है वो रेडियम है। आप radium.io इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे जैसे ट्रेडिंग है, स्वैपिंग है, या आप यहाँ से कुछ स्वैप कर सकते हैं। लाइक
मेरे पास अभी सोलाना सॉरी यूएसडीसी है, तो मैं यहाँ पे अगर यूएसडीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं एज ए एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपको ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म होल्ड भी कर सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है तो कि आप कैसे करना चाहते हैं। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स का वीडियो नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अगर आप इच्छुक हैं, वो अगर आपकी मर्जी है, तो इस तरह से मैं ये बता रहा हूँ कि आप इस तरह से इजीली यूज कर सकते हैं। तो सिंपल आपको यूएसडीसी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं मैक्सिमम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ यूएसडीसी। यहाँ पे अभी वॉलेट कनेक्ट नहीं है, इस वजह से ये नहीं शो हो रहा है। तो सिंपल आपको वॉलेट कनेक्ट करने लगा है, फैंटम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फैंटम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट हो गया। तो जब मैं यूएसडीसी यहाँ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम करूंगा तो मेरे पास 13.20 करके है। मैं ऐसा 13 नहीं करता हूँ, मैक्सिमम नहीं करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे 3 USDC से या फिर 2 USDC, क्योंकि हो सकता है 10 USDC नेक्स्ट मैं जो शो करूंगा वो दिखाया जाएगा। मैं 2 इसके लिए मैं रेडियम परचेस कर लेता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे रेडियम यहाँ पे स्वैप कर ले रहा हूँ। यहाँ पे स्वैपिंग के लिए आपको जो है फिर से सोल का जो है ट्रांजेक्शन फी पेमेंट करने होंगे। जैसे यहाँ पे अप्रूव करूंगा मैं, यहाँ पे दिखाएगा ये अप्रूव हो गया है, ट्रांजेक्शन सेंट ऑन सोल, ये सारा कुछ हो गया। तो अभी आप देखेंगे, इसके बाद मैं यहाँ पे वॉलेट रिफ्रेश किया, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि मेरे पास रेडियम जो है 2.1715 टोकन्स आ गए हैं, जो कि मेरे पास पहले 0 थे। इस तरह से अभी आप रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे वी डाओ टोकन्स को भी ऐड कर दिया गया है। देखेंगे कि वी डाओ 118.74 टोकन्स हो गए। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि वीयू को मेरे पास टोकन्स है। अब ये मेरे पास जो यूएसडीसी है जो 11 है, तो इसको भी आप ऐसे मतलब जो आप बाय और सेल करेंगे, जब भी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो सोल है वो आपका डिडक्ट होते जाएगा, जो आप फी पेमेंट करेंगे सोल के फॉर्म में उसकी वजह से। अब मैं फिर से वापस से दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये 600% APR के साथ आप यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पे USDC में मैं मैक्सिमम कर लेता हूँ, इसके बदले मुझे इतने अमाउंट का जो है VU टोकन्स डिडक्ट हो जाएंगे। फिर ऐड लिक्विडिटी में जब मैं करूंगा तो नॉट इनफ बैलेंस यहाँ शो कर रहा है, पता नहीं क्यों, मेरे बैलेंस तो है मेरे पास। मैं इस पेज को वापस से रिफ्रेश किया हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं फिर से यहाँ, जो कि 13 था, यहाँ पे आप देखेंगे कि 11.2, तो मैं 11 USDC के इक्विवेलेंट को करता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ फिर से मुझे ट्रांजेक्शन फी पेमेंट करने होंगे, जो यहाँ पे जो भी शो करेगा यहाँ, तो आप देख पाएंगे कि 0.00204 सोल यहाँ पे जो है वो मेरे पास डिडक्ट कर लिए जाएंगे। मैं अप्रूव कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे अप्रूव करूंगा, ट्रांजेक्शन सेंड हुआ, ट्रांजेक्शन कंफर्म होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि योर लिक्विडिटी में है जो इतने टोकन्स हैं, स्टेक लिक्विडिटी एक अलग है। अब अभी मेरे पास जो है स्टेकिंग पे ये तो अभी लिक्विडिटी ऐड की है, फिर से स्टेक लिक्विडिटी पूल पे मैं करूंगा। यहाँ पे मैं मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैक्सिमम सेलेक्ट करने के बाद फिर से स्टेक कर रहा हूँ। अब जब मैं फिर से ये करूंगा तो मुझे फिर से जो है फी पेमेंट करने होंगे। तो इस तरह से जो है आपको हमेशा कोई भी ट्रांजेक्शन जब करेंगे तो आपको यहाँ पे फी देने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेक लिक्विडिटी में 6,383 जो टोकन्स है वो ऐड कर दिए गए हैं। अगर मैं इसको पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ और वापस से मैं यहाँ सोलाना ब्लॉकचेन का जो मेरा वॉलेट एड्रेस है इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा वीयू टोकन्स था वो कुछ डिडक्ट कर लिए जाएंगे। यहाँ मैं ये रिफ्रेश हो रहा है, जो वीयू टोकन्स था वो 60 जो भी था 6,800 के अराउंड या 6,600 के अराउंड, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अभी मेरे पास 1,769 टोकन्स है। USDC मेरे पास 0.204 बचे हैं। तो इस तरह से आप स्टेकिंग लिक्विडिटी कर सकते हैं, या फिर आप जैसा मैं बताया इसमें फर्स्ट टाइम रेडियम में परचेस करके बताया, आप कोई भी अदर टोकन जो डिजायर्ड है, डिजायरेबल टोकन है आपके लिए, वो परचेज कर सकते हैं। सिंपल जब आप यहाँ से विड्रॉ करने होंगे कोई भी चीज, जैसे कि आप मुझे यहाँ से विड्रॉ करना है USDC जैसे, या फिर रेडियम विड्रॉ करने हैं, या सिंपल एज एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ कि सारा कुछ को मैं USDC में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आप इस तरह से इंटरचेंज करके ये रेडियम को आप जो है मैक्सिमम जो है USDC में कर सकते हैं। तो USDC में यहाँ स्वैप करने के बाद इसके लिए भी आपको जो है सोलाना का फी पेमेंट करना होगा। इसके बाद आप यहाँ से जो है यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं इस बिनांस एड्रेस पे। यहाँ पे आप डिपॉजिट पे सिंपल क्लिक करेंगे। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद वहां पे वॉलेट एड्रेस मिलेगा। इसके बाद यहाँ डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे। क्रिप्टो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेना होगा आपको। यहाँ पे आप USDC सेलेक्ट कर लीजिए। USDC
इसके बाद यहाँ पे वॉलेट एड्रेस आपको मिलेगा, नेटवर्क आप सिलेक्ट कर लीजिए लाइक सोलाना, जो भी आप जहां से मंगाना चाहते हैं, तो मैं सोलाना सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो वॉलेट एड्रेस मिलेगा आप यहाँ से सोलेट से आप सेंड कर दीजिए, तो आपका फिनांस में आ जाएगा, फिर आप इसको सेल कर दीजिए। तो ये सारा प्रोसेस था दोस्तों, आप इजिली आप सोलाना नेटवर्क को कैसे यूज